हाय गाइस, दिस इज मीरिया फ्रॉम द ग्लोबल ब्लॉक्सर। तो दोस्तों, आज हम लोग आए मांडवी में श्याम जी कृष्णा वर्मा मेमोरियल में। मैं बोलना चाहूँगा कि ये जगह भूत स्टेशन से 1.5 घंटा दूर है और यहाँ पर एंट्री फ्री है। और एक बात यह है कि थर्सडे मत आइएगा, क्योंकि थर्सडे को ये बंद रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने मिलेगी। तो इट्स द सेकेंड डे ऑफ रणोत्सव एंड हम लोग अभी आए हैं श्याम जी कृष्णा जी वर्मा मेमोरियल में। बहुत ही मतलब अजीब बात है कि हम लोगों को आज तक पता नहीं चला कि इंडिया का और एक फ्रीडम फाइटर है जो हीरो है, लेकिन हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में। ये जो फ्रीडम फाइटर है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अनसुनी बातें हम लोगों ने आज सुनी। इंडियन फ्लैग का जो कलर है वो इन्होंने डिज़ाइन किया है। कैन यू बिलीव इट, मतलब अपने देश में इतने सारे हीरोज हैं जिनका आज तक कभी किसी ने बताया है ना कुछ किसी को पता है। तो ये वीडियो देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आपने इनके बारे में सुना है कि नहीं। वीरांजली गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ पर 2003 में जो वीरांजली यात्रा निकली थी उसका रूट बताया गया है। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा भारत के महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी में और उनकी मृत्यु 30 मार्च 1930 को जिनीवा में हुई थी। वे मृत्यु से पहले जिनीवा सरकार के पास एग्रीमेंट करके गए थे कि जब भारत आजाद हो तब उनके और उनके पत्नी के अस्थि कलश आजाद भारत में लाए जाए। इसके लिए वे 100 साल का पेमेंट भी करके गए थे अस्थि रखने का। उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2003 में। यहाँ पर जिनीवा सेंटर पॉइंट है। जिनीवा से उनके अस्थि मुंबई लाए और मुंबई से 17 जिले पास होकर मांडवी प्रस्थापित किए गए। मांडवी पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का बर्थ पैलेस है। ये जो लाइट के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वीरांजली यात्रा का रूट बता रहे हैं। सामने स्मृति कक्ष में पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा और उनके पत्नी के अस्थि कलश रखे गए हैं। लास्ट में दयानंद सरस्वती चौक। दयानंद सरस्वती पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के आध्यात्मिक गुरु थे। उनके साथ जो पत्र व्यवहार किया वो भी वहाँ रखे गए हैं। दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की तब उसका पहला प्रमुख श्याम जी कृष्ण वर्मा को बनाया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा को वेद और भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए विदेश भेजा था। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा पहले ऐसे नॉन ब्राह्मण थे जिन्हें पंडित की पदवी दी गई थी। वे लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमए की पदवी लेने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में। वहीं पर भारतीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देते थे और उनके रहने की व्यवस्था भी वहीं करते थे। वीर सावरकर, मदनलाल धिंगरा, वीवीएस अय्यर जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी उनकी स्कॉलरशिप से आगे पढ़ सके। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जूनागढ़ और रतलाम राज्य के दीवान भी रह चुके थे। ये सब फोटोग्राफ वीरांजली यात्रा के मुंबई से मांडवी तक के, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यही वो पिक्चर है जो मोदी जी यहाँ पर इंडिया में लेकर आए थे, जो अस्थियों का पिक्चर है। यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने पढ़ाई की और रेसिडेंट किया वो सब जगह बताई गई है। नंबर 1 में उनका मांडवी का बर्थ पैलेस, नंबर 2 में अल्फ्रेड हाई स्कूल भुज, नंबर 3 में विल्सन हाई स्कूल मुंबई, एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई, बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी के रूप में जहाँ रहते थे वो जगह किंग्स बेंच और टेम्पल इन लंदन। ये ऑल इंडिया, अभी जो लंदन में इंडिया हाउस है उसकी सेम कॉपी सामने बनाने में आई है बार। लास्ट में जिनीवा में थे ये पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। अच्छा, हम लोग विल्सन कॉलेज के आगे रहते हैं मुंबई में। ये उनका पिक्चर है ना।
था मैडम कामा और सरदासी राणा ने उसे पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में बताया था। इंडिया हाउस के मेन तीन आधार स्तंभ थे मैडम कामा, सरदासी राणा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। इस फ्लैग की डिजाइन वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा तीनों मिलकर तैयार की थी। अच्छा, ये अपना इंडिया का फ्लैग इन्होंने, ये तीनों ने मिलकर बनाया था डिजाइन। ओके, सही है। ये उनकी, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की वाइफ है भानुमती कृष्ण वर्मा। ये भी इन्होंने भी मतलब क्या पढ़ाई, क्या क्या इन्होंने तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने न्यूज़पेपर लिखा था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, भारत की स्वतंत्रता प्रचार के लिए। मदनलाल धिंगरा ने कर्जन वायली की हत्या की तो अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा, बैन कर, ये कर दिया था। हाँ। जानबूझ के। ये उनकी लॉयर की सनद जो मोदी साहब लेकर आए। अभी तक ब्रिटेन से दो ही लोगों की सनद आई है, एक महात्मा गांधी और दूसरे श्यामजी कृष्ण वर्मा। गए थे कि जब भारत आजाद हो तब आजाद भारत में उनके अस्थि लाए जाए। 1930 में श्यामजी कृष्ण वर्मा की डेथ हुई और 33 में उनकी वाइफ की मृत्यु। तो साल बाद उनके अस्थि आए भारत में, उनकी मृत्यु। वो भी मोदी जी ने कहे, नहीं तो आज तक आते ही नहीं यहाँ पे अस्थि। उनके मान में स्टैम्प टिकट, उनके नाम पे स्टैम्प पेपर बनाया। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी वाइफ भानुमती की अस्थियां हैं जो मोदी जी लाए थे इंडिया में। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो घर था लंदन में, ये उसी घर का रेप्लिका यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक छोटी सी लाइब्रेरी है और राइट साइड में एक रूम है जहाँ पर उनकी लाइफ की पूरी स्टोरी दिखाई जाएगी एज अ डॉक्यूमेंट्री।